दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी गुरु जी नमस्कार। जय हिंद। हेलो। हाँ स्वागत है वीरेंद्र गुरु जी, मेरी पहले बात हुई थी आपको, हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम, और शैलजा त्याग जी की सिस्टर को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, और सुबह बात कर रहे थे, फोन ही नहीं मिलके दिया गुरु जी, इतने फोन मिलाते रहे वो। ठीक गुरु जी, मैं थोड़ा ये छोटे छोटे सवाल है, कुछ ये पूछना चाह रहा हूँ गुरु जी। जी जी एक तो ये है, नमक नमक कौन सा अच्छा है गुरु जी? ये ढेले वाला नमक अच्छा है, काला नमक अच्छा है, या सफेद जो नमक आता है ये अच्छा है, या जो पिसा हुआ नमक जो आता है ये अच्छा है? एक ये सवाल है गुरु जी। एक ये है, मीठे मीठा कौन सा अच्छा है? गुड़ अच्छा है, चीनी अच्छी है, शक्कर अच्छा है, शहद अच्छा है। और एक ये है, वो काला बाल करने का तरीका पूछा था जी गुरु जी, काले नहीं हो रहे बाल, पता नहीं कुछ समझने में फर्क हो गया, क्या हो गया पता नहीं, कई जगह एक कढ़ाई लगा चुका हूँ मैं गुरु जी, हफ्ते में एक बार यूज करता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बताना गुरु जी। ठीक और एक गुरु जी ये है, मेरी मम्मी जी है, उनका थोड़ा, उनकी एज ज्यादा है, मेरी सासू माँ जी, तो उनका थोड़ा गर्भाशय बाहर आ, मतलब वो बाहर है थोड़ा, उसमें अब डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहा भाई इनकी उम्र ज्यादा है, ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके ठीक लिए कुछ सुझाव गुरु जी, थोड़ी हो कुछ सहायता करो गुरु जी उसके लिए। ठीक है जी झील उस शेर याद आ गया। शायद इन्होंने ही सवाल किया था पहले भी, जी 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 तो मुझे शेर याद आ जाता है, कौन सा चीज अच्छी है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा नाम अच्छा है। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, कि जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। अच्छा देखिए, मीठे में गुड़ बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी अगर पसंद आए इसका स्वाद, और तेलों में हिंदुस्तान में तेल जो है वो राई का तेल बहुत अच्छा है। और क्या पूछा इन्होंने? अच्छा बाल काले करने का तरीका। देखिए, बाल काला करने का तो बहुत आसान तरीका है। ये जो मैंने नुस्खा बताया था, इसको लोहे की परात में, या लोहे का, कच्चे लोहे का वो होना चाहिए, जैसे तवा होता है ना, उसमें भिगो लें। वो नुस्खा तो आपको पता ही है, ये चीका काई, रीठा, आंवला और छोटी हड़, चार चीज़ों को पाउडर बना लें और इसमें भिगो दें। इसमें मेहंदी भी डाल सकते हैं आप, असली मेहंदी, और चाय की पत्ती थोड़ी मिला दें। और ये लोहे से रिएक्ट करता है और लोहे की कालक इसमें आ जाती है। फिर आप अपने बालों में लगाएं, भिगो के रख दें, ज़्यादा पानी न डालें, डाई गाढ़ी सी रहे, और वो अपने बालों में लगाकर ऐसे हर सब जगह अंदर अंदर करके ऐसे करके, और छोड़ दें, 2 घंटे बाद आप नहा लें। ये ओरिजिनल डाई होती है, इसमें शैम्पू भी होता है, जो रीठा है शैम्पू है, झाग भी बनते हैं, और बालों पर एक ऐसी अलग टाइप की चमक आती है। पता नहीं कुछ गलती हो गई होगी आपसे, इस वजह से रंग नहीं आ रहा। और क्या बताया? नमक कौन सा अच्छा है, पिसा हुआ या फिर कोई और? देखिए, नमक तो नमक है, और नमक और नमकियात में बड़ा फर्क है। काला नमक भी बहुत अच्छा है, अगर वो रहती है आपको बदहजमी, खट्टी डकार ये वगैरह, तो काला नमक यूज करें। और फिर डले वाला नमक हमने मुद्दतों तो यूज़ किया, फिर ये कारोबार करने लगे लोग, तो पिसा पसाया नमक, इसका नमक और उसका नमक, और आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन आयोडीन भी ज़्यादा हो जाए तो नुकसान देता है हड्डियों को। तो वैसे सादा नमक मैं बहुत पसंद करता हूँ, आयोडीन वाला बताते हैं कि बहुत अच्छा है। और क्या मदर सवाल? इन लॉ के लिए गर्भाशय बाहर आ गया। हाँ, उन पर ज़रा तवज्जो दें, और अपनी सास से मोहब्बत करने वाले लोग यकीनन बहुत अच्छे होते होंगे। ये आता है गोंद चिलगोजा, गोंद चिलगोजा, बस एक चुटकी,
उन्हें खिला दिया करें, शहद में मिला के दे दें अगर शुगर नहीं है, या किसी और चीज़ में ऐसी खा लें। कौन चिलगोजा एक चुटकी, और एक एक चुटकी सोडा खाने का 2 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पिला दिया करें 24 घंटे बस एक बार, तो ना तो ऑपरेशन करा सकते हैं इस उम्र में ना कुछ, इससे उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।